गाइस हम लोग आ चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आज की जो भी है। और ये हमारे साथ है आज के एक्सपर्ट हेमंत, जो कि हमें सारे पेट्रोल के, डीजल के और जो भी पेट्रोल पंप्स पे जैसे चोरी आप अपने आप रोक सकते हो, देख सकते हो, वो चीज़ों के बारे में हम ये भाई हमें बताएंगे आज, हेमंत भाई। तो हेमंत जी, सो गाइस जैसे आप जानते हैं कि पेट्रोल जब भी हम डलवाते हैं सीधा हमारे कार में जाता है, उसे हम कभी नाप नहीं पाते कि कितना आया कितना नहीं आया, कभी एक दो लीटर ऊपर नीचे हो तो अपन बता नहीं सकते कि वो आया है कि नहीं। सो आज हम चेक करने वाले हैं कि उसको अपन कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम कभी डीजल या पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पम्प तो गए ही होंगे, तो आज हम अपनी गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं। ये मशीन को हमने 1000 पे सेट कर दिया है। इस मशीन में यहाँ पे डेंसिटी लिखी रहती है, यहाँ पे अपना रेट आता है, ये अपना डीजल का रेट है। सो हम डालने वाले हैं। जैसे आप नोजल कम ज़्यादा करेंगे वो प्रेशर कम ज़्यादा होता जाता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस नोजल में भी लोग कभी कभी दिक्कत कर सकते हैं, तो आपको अपने हाथ से डाले तो अच्छा रहेगा। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा हमने 1000 से 2 रुपये कम का डलवाया, पूरा टोटल 1000 का नहीं डलवाया, हमेशा राउंड फिगर से 1-2 रुपये नीचे या ऊपर डलवाया। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है वैसे? अगर मशीन सेट होगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये मशीन अगर सेट नहीं थी तो इसको कैसे पता लगाएं हम कि ये मशीन सेट नहीं थी? उसके लिए अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये हमें बताएंगे कि क्या तरीके हैं जिनसे आप लोगों को या पेट्रोल पंप वालों को पकड़ सकते हैं कि चोरी ना हो आपकी गाड़ी में। सो गाइस, हम लोग अब एक 5 लीटर का बार्ट लेने वाले हैं और उसमें 5 लीटर मशीन से सेट करवा के डलवाएंगे और देखते हैं कि वो लेवल ऊपर तक भरता है कि या कम भरता है। हम लोग अब यहाँ पे मशीन में 5 लीटर सेट करवा के इस तांबे के बार्ट में डालने वाले हैं। कभी भी डीजल मेटल में नहीं डालना है, तांबे में डालना है, वो रिएक्ट कर जाता है। सो अब हम इसको इसमें डालेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आके तो ये पूरा ऊपर ब्रिम तक भर चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 5 लीटर में पूरा 5 लीटर मिल रहा है और 1 भी रुपये की चोरी नहीं हो रही है। उठा सकता हूँ। सो गाइस, हमने अभी देखा कि कैसे 5 लीटर में 5 लीटर माल निकला है। तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट किया। ये टेस्ट आप कहीं भी जाके कोई भी पेट्रोल पम्प पर कर सकते हैं और कोई भी आपको इस चीज़ के लिए नहीं मना करेगा, क्योंकि ये आपका हक है। अभी हम लोगों ने आपको जो भी बार्ट में दिखाया था वो पेट्रोल के लिए था, और अब हम लोगों ने 5 लीटर डीजल के लिए दिखा रहे हैं हम आपको कि इसमें डीजल में कोई चोरी तो नहीं है या कुछ भी ऐसा, या कम ज़्यादा तो नहीं आ रहा, तो हम वो आपको दिखाते हैं। ये झाग बेसिकली उसकी वजह से बनता है कि ज़्यादा जा रहा है एक साथ, इसके कारण। तो गाइस, ये 5 लीटर हम लोग का पूरा हो चुका है और इसका आप देख सकते हैं कि ये पूरा बार्ट भरा हुआ है, पूरा फिल्ड है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई भी चोरी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो और ये भी देख सकते हैं कि बार्ट से ऊपर जा रहा है, भैया को यहाँ पे उंगली लगानी पड़ रही है क्योंकि ये ओवरफिल हो रहा है। बट मतलब यहाँ का डीजल में कोई भी मतलब ये नहीं है कि कहीं कम आ रहा हो, 5 लीटर आपके 4 लीटर आ रहा हो या 4.75 आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फुल भरा हुआ है ये बार्ट, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये लोग इस बाल्टी में जो दोनों 10-10 लीटर डीजल और पेट्रोल है उसको हम वापस टैंकों में डाल देंगे, क्योंकि कभी भी ओपन में इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। सो गाइस, जैसे आपने देखा पहले, अभी हमने देखा कि डीजल कम ज़्यादा हो तो कैसे पता लगाना है। अब हम देखने वाले हैं कि देखना है कि अगर आपके डीजल पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं है
तो वो कैसे चेक करें? तो यहाँ डेंसिटी चेक होने वाला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये बड़े से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पेट्रोल पहले लिया है और उसमें हम अभी थर्मामीटर डुबा रहे हैं। अभी थर्मामीटर को हम थोड़ी देर तक इसमें डूबा रहने देंगे। ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं इसके अंदर, वो हमें एक टेम्परेचर रीडिंग देगा और उस टेम्परेचर रीडिंग को हम फिर यहाँ पर एक और मीटर रहता है उससे नापेंगे और यहाँ टेबल में मैच करेंगे कि डेंसिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं। और अगर वो डेंसिटी प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपके डीजल पेट्रोल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गाइस अब हम दूसरी चीज़ डाल रहे हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। ये फ्लोट करेगा और बताएगा कि कितना डेंस है अपना लिक्विड। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फ्लोट कर रहा है, पूरा नीचे नहीं जा रहा है। सो एक लेवल पे ये फ्लोट करता है और रिएक्ट करता है अपने पेट्रोल डीजल के साथ। इसमें अभी रीडिंग आ रही है अपना 45, जैसा आप देख सकते हैं। पैंतालीस आ रही ना। चलो टेबल से ग्यारह 20 21, टेम्परेचर 21 है। टेम्परेचर 21 है। सो गाइस जैसे आपने देखा अभी हमारा रीडिंग टेम्परेचर 21 डिग्री आया है और हाइड्रोमीटर में रीडिंग 45 आई है। तो उसके हिसाब से भैया यहाँ पे हमें एक टेबल दी जाती है सरकार द्वारा, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर और उस पर वो मिल रहा है कि नहीं। ये 45 पे हम आ गए और ये 747.8 आई है हमारी फाइनल रीडिंग, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे मशीन में भी उतना ही रीडिंग शो कर रहा है। सो ये एक्यूरेट है। टेम्परेचर कौन सा है? 721। ओके, ये टेम्परेचर की लाइन है और ये डेंसिटी की 45 वाली लाइन है। यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ डेंसिटी, इससे हमको ये 747.8 रीडिंग मिली। तो अभी गाइस हम लोग के जो एक्सपर्ट हैं हेमंत भाई, उन्होंने हमें बताया कि डेंसिटी और जब आपका वॉल्यूम चेक करना होता है तो कैसे किया जाए। तो ये हम लोग आप लोग को दिखा चुके हैं।